बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो टॉपिक आज हमने पढ़ना बचे वो है क्रिस्टलिटिस। आउटलाइन में जो चीज़ वो है क्रिस्टलिटिस, यूनिट सेल्स, क्रिस्टल्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल्स। क्रिस्टलिटिस में बच्चे कहते हैं क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड दीज एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स आर लोकेटेड एट डेफिनेट पोजिशंस इन स्पेस। क्रिस्टलिटिस में बच्चे हम लोगों ने स्पेस में जो स्ट्रक्चर है उसको देखना होता है। आप कोई भी सॉलिड की अगर हम बात करें, जो सॉलिड्स हैं उसी में क्रिस्टल आ रहे हैं, क्रिस्टलाइट्स या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स उसी में आ रहे हैं। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की भी हम लोगों ने कंपोजिशन पढ़ी थी, वो थी एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स में। अब हम लोगों ने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स या जो उसके कॉन्स्टिट्यूटिव वो पार्टिकल्स होते हैं बच्चे, उनकी एक डेफिनेट पोजिशन होती है कि वो एक डेफिनेट पोजीशन में आपके पास इस जगह पे वो प्रेजेंट होते हैं। दीज पोजीशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स इन अ क्रिस्टल्स। इन क्रिस्टल में इन पॉइंट्स को कि जहाँ जहाँ पे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसको एक पॉइंट के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, और इन पॉइंट्स को हम लोग क्रिस्टल लेटिस पॉइंट्स और लेटिस साइट्स कहते हैं। और जो अरेंजमेंट होती है पॉइंट्स के क्रिस्टल में, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में या एक क्रिस्टल में जो अरेंजमेंट होती है इन पॉइंट्स के, उसको हम लोग क्रिस्टल लेटिस या फिर स्पेस लेटिस कहते हैं। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड दीज एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स आर लोकेटेड एट डेफिनेट पोजीशंस इन स्पेस। दीज पोजीशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स इन अ क्रिस्टल। दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड एज लेटिस पॉइंट्स और लेटिस साइट्स। दिस अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टल लेटिस और स्पेस लेटिस। देन डेफिनेशन है आपके पास क्रिस्टल लेटिस की कि बेसिकली ये अरेंजमेंट है जो कि एक अरे ऑफ पॉइंट्स है जो कि आपको रिप्रेजेंट करी है एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स ऑफ अ क्रिस्टल, जो कि डिफरेंट साइड्स पे या जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है उसके डिफरेंट पोजीशंस पे वो प्रेजेंट होते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर को, इस अरे को हम लोग क्रिस्टल लेटिस कहते हैं। सो क्रिस्टल लेटिस इज एन अरे ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स ऑफ अ क्रिस्टल अरेंज्ड एट डिफरेंट साइड्स इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बच्चे, अब ये जो उन्होंने ग्रीन, ये उन्होंने क्यूबिक स्ट्रक्चर, कोई भी क्यूबिक स्ट्रक्चर लिया हुआ है। आप फॉर एग्जांपल हम लोग कह देते हैं कि क्यूबिक स्ट्रक्चर होते हैं सोडियम क्लोराइड का, NaCl का। अब देखिए यहाँ पे उसने पोजीशन मार्क की हुई है बच्चे, एक रेड पॉइंट है और एक ग्रीन पॉइंट है। सपोज कर लेते हैं जो रेड पॉइंट, जहाँ जहाँ पे रेड पॉइंट है उसको हम लोग क्लोरीन सपोज कर लेते हैं, और जो आपके पास ग्रीन पॉइंट है वो इसको हम लोग सोडियम सपोज कर लेते हैं। तो ये जो रेड और ग्रीन पॉइंट है, अब देखें जो सोडियम क्लोराइड है वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। उसका अगर हम लोग क्रिस्टल लेटिस चेक करें तो वो क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। अब उस क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कहाँ कहाँ पे जो सोडियम या फिर क्लोरीन जो उनसे है वो प्रेजेंट है, यहाँ पे उसने रेड और ग्रीन पॉइंट के साथ उसको मार्क कर दिया। तो बच्चे ये एज एन एग्जांपल थी, और उसने ये आपको बताया हुआ है कि क्रिस्टल लिटिस की क्यूबिक स्ट्रक्चर के साथ अगर हम लोग डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो वो हम किस तरह करेंगे। देन है आपके पास यूनिट सेल। यूनिट सेल बच्चे, सोडियम क्लोराइड अगर हम लोग बात करें तो सोडियम क्लोराइड जो उनसे होता है उसमें एक सोडियम और एक क्लोरीन होता है। मींस जो उसका बेसिक फार्मूला होता है, ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे करवा रही हूँ कि जो उसमें बेसिक फार्मूला होता है वो सोडियम क्लोराइड है एक मॉलिक्यूल के लिए। लेकिन अगर हम लोगों ने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाने हैं तो बच्चे नंबर ऑफ NaCl जो उनसे है वो कंबाइन होने के बाद वो आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोरीन बना देंगे। लेकिन उसमें जो एक यूनिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है वो सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। सिमिलरली यूनिट सेल अगर हम लोग बात कर लें क्रिस्टल स्ट्रक्चर की, तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में भी फॉर एग्जांपल अगर हम लोग क्यूब की बात करें तो बच्चे एक ही यूनिट जोन सा होता है, उसके स्पेसिफिक शेप्स होती हैं और स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने उसको डिस्क्राइब किया था। उस यूनिट सेल की जो स्पेसिफिक शेप, स्पेसिफिक एंगल के साथ होता है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जो सारे को बता रहा होता है कि इस स्ट्रक्चर में ये यूनिट सेल होगा, और जो यूनिट सेल होता है उसके पास सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है। यूनिट सेल को हम लोग स्मॉलेस्ट पार्ट भी कह रहे होते हैं।
अब यहाँ पे कहते हैं द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस हैज ऑल द करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द इंटायर क्रिस्टल एंड इट इज कॉल्ड एज अ यूनिट सेल. इट मीन्स दैट अ यूनिट सेल ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस इट इज द स्मॉलेस्ट ब्लॉक और ज्योमेट्रिकल फिगर. वो आपके पास एक स्मॉलेस्ट ब्लॉक होगा फ्रॉम विच द इंटायर क्रिस्टल कि जिससे मिलकर सारा के सारा क्रिस्टल जो है ना वो मिलकर बना होता है. यहाँ पे मैंने आपको सोडियम क्लोराइड की भी एग्जाम्पल दी थी. सिंपल सिमिलरली हम लोग वाटर की भी एग्जाम्पल लेते हैं कि वाटर के एक वाटर मॉलिक्यूल में H2O होता है. अगर हम लोगों ने ये था एक वाटर मॉलिक्यूल के लिए, अगर हम लोगों ने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बनाने हैं तो H2O ही रिपीट होते जाएंगे. तो इसमें जो यूनिट सेल होगा वो क्या होगा, वो H2O होगा. अब यहाँ पे यूनिट सेल में हम लोग ज्योमेट्रिकल शेप देख रहे हैं थ्री डायमेंशंस में. थ्री डायमेंशंस मीन XYZ, तीनों डायमेंशंस में हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल शेप चेक करना है. उस ज्योमेट्रिकल शेप में जो जो अरेंजमेंट हो रही होती हैं बच्चे, उसको हम लोग यूनिट सेल का नाम दे देते हैं. देन प्रॉपर्टीज ऑफ अ यूनिट सेल. प्रॉपर्टीज में यह है कि एक तो उसके पास सारी स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज बता देता है, ठीक है, और दूसरी बात है इसके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है कि एक क्रिस्टल के अंदर लेट्स के अगर हम लोगों ने एक क्रिस्टल को स्टडी करना है तो इंस्टेड ऑफ दिस के हम लोग पूरी की पूरी क्रिस्टल को स्टडी करें, हम एक यूनिट सेल को स्टडी कर लेंगे तो हमें बता देगा कि एक इस क्रिस्टल के अंदर इसमें ये फेसेस हैं, इसमें ये एंगल्स हैं और एंगल्स किस किस तरीके से अरेंजमेंट है. सो ये सारी चीज़ें जो उनसे वो एक यूनिट सेल हमें बता सकते हैं, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ में है. इट शोज़ द स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज ऑफ अ गिवन क्रिस्टल एंड द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज रिसेंट विद इन अ यूनिट सेल विच रिपीट इट सेल्फ इन द थ्री डायमेंशंस टू फॉर्म ए क्रिस्टल. जो कि एक ही चीज़ जो है वो रिपीट होती जा रही है और एक लार्ज फॉर्म में जो है वो आपके पास प्रेजेंट बन जाते हैं, जिसको उस लार्ज फॉर्म को हम लोग क्रिस्टल का नाम दे रहे हैं. इफ़ वी नो द एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल वी एक्चुअली नो देयर अरेंजमेंट इन द होल क्रिस्टल. देन अ यूनिट सेल डायमेंशंस. यूनिट सेल डायमेंशंस में बच्चे द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस आर डिड्यूस्ड फ्रॉम द साइज एंड शेप्स ऑफ द यूनिट सेल. अब यूनिट सेल डायमेंशंस में हमारे पास क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है क्रिस्टल लैटिस का, ठीक है, जो कि हम लोग उसकी साइज और उसके शेप के बारे में बताते हैं. इसके पास तीन लेंथ्स होती हैं, तीन सेल एंगल्स होते हैं. एक जो लेंथ्स होती हैं उसको हम लोग ABC कहते हैं. जो सेल एंगल्स होते हैं बच्चे वो अल्फा बीटा और गैमा होते हैं. अब ABC अल्फा बीटा गैमा टोटल हमारे पास 6 पैरामीटर्स होंगे. इन टोटल 6 पैरामीटर्स को हम लोग सेल डायमेंशंस कहते हैं या फिर क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स का नाम देते हैं. द एंगल अल्फा इज बिटवीन बीटा एंड सी, बी एंड सी. द एंगल बीटा इज बिटवीन साइड्स ए एंड सी एंड द एंगल गैमा इज साइड्स बिटवीन ए एंड बी. द यूनिट सेल्स, ये उन्होंने उसकी अरेंजमेंट बता दी है अल्फा बीटा गैमा के, वो किस किस तरीके से किन किन लेंथ के अकॉर्डिंग जो है वो प्रेजेंट होंगे. द यूनिट सेल लेंथ ABC में भी डिजाइंड अलॉन्ग XY and Z axis रिस्पेक्टिवली बट एंगल्स अल्फा बीटा एंड गैमा हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंगली. अब बच्चे XYZ में एक्स एक्सिस पे हमेशा ए सेल लेंथ होगी, वाई एक्सिस पे हमेशा बी सेल लेंथ होगी, जी एक्सिस पे हमेशा सी सेल लेंथ होगी. लेकिन अगर हम लोग ये हैं कि एक्स के साथ हमेशा अल्फा होगा और वाई के साथ हमेशा बीटा होगा, जी के साथ हमेशा गैमा होगा, तो बच्चे ऐसा पॉसिबल नहीं है. अल्फा बीटा गैमा चेंज होते रहते हैं, वो हम लोगों ने अपनी मर्जी से डिसाइड करने होते नहीं है, बल्कि वो हमारे पास जो क्रिस्टल लैटिस के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसकी क्लासिफिकेशन हम लोग नेक्स्ट देखेंगे तो उन्होंने स्पेसिफाइड कर दिए होंगे कि अल्फा बीटा गैमा को हम लोग किस किस पोजिशन में रखेंगे, ठीक है. तो ये इस चीज़ को हम लोग अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं जो सेल एंगल्स होते हैं, यूनिट सेल एंगल्स होते हैं. लेकिन जो यूनिट सेल लेंथ्स होती हैं बच्चे वो ABC XYZ के ही रिस्पेक्टिव होंगे. उसके बाद द चॉइस ऑफ XYZ में बी अलोंग एनी ऑफ द थ्री एक्सिस. अब देखें एक्स एक्सिस हमेशा हम लोग हॉरिजॉन्टल लेंगे. अब वाई एक्सिस और जी एक्सिस जनरल अगर हम लोग देखें तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वाई एक्सिस होता है और जो थ्री डायमेंशनल होता है वहाँ पे हम लोग जी कर लेते हैं. लेकिन हम लोग जी जिसको हम लोग जी कंसीडर कर रहे हैं उसको हम लोग वाई भी कंसीडर कर सकते हैं और जिसको हम लोग वाई कंसीडर कर रहे हैं उसको हम लोग जी भी कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है. ये पॉइंट आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना कि चॉइस ऑफ XYZ के हमने डायमेंशनली हम लोगों ने किसको XYZ कंसिडर करना वो हम लोग अपनी मर्जी से कर सकते हैं. उस XYZ के अकॉर्डिंग हम लोग जो सेल लेंथ्स होंगी ABC उसको हम लोग अकॉर्डिंगली जो उनसे हैं वो करेंगे. लेकिन अल्फा बीटा गैमा हम खुद से डिसाइड करेंगे. ABC डिपेंड कर रही हैं XYZ पे जो उसके डायमेंशंस हैं. ये आपको उन्होंने बता दिया हुआ है कि ABC
अल्फा बीटा और गामा, ये उन्होंने आपको एक यूनिट सेल की डायग्राम बता दी है बच्चे, इसको यूनिट सेल कह रहे हैं कि ए बी सी जोन सा वो उसके बॉन्ड बॉन्ड लेंथ को शो कर रही हैं, अल्फा बीटा और गामा बॉन्ड एंगल्स को शो कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्रिस्टल, क्रिस्टल सिस्टम को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं डायमेंशंस ऑफ इट्स यूनिट सेल अलॉन्ग द थ्री एक्सिस और एक्सिस ए बी सी एंड थ्री एंगल्स बिटवीन द एक्सिस अल्फा बीटा एंड गामा। उसको हम लोग डायमेंशन से भी कर सकते हैं, उसके एजेस या फिर उसके एंगल्स, दोनों तरीके से हम लोग क्रिस्टल सिस्टम को आइडेंटिफाई कर देते हैं। क्लासिफिकेशन में हम लोग कहते हैं कि 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं, इनको हम लोग क्यूबिक सिस्टम, टेट्रागोनल सिस्टम, ऑर्थोरम्बिक और रोम्बिक सिस्टम, मोनोक्लिनिक सिस्टम, हेक्सागोनल सिस्टम, रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल सिस्टम एंड ट्राइक्लिनिक सिस्टम। क्यूबिक सिस्टम में बच्चे क्या हो रहा है कि इन दिस सिस्टम ऑल द थ्री एक्सिस आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड ऑल आर एट राइट एंगल टू वन अनदर। अब यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि जितने भी एक्सिस हैं वो लेंथ्स भी इक्वल हैं और एंगल्स भी इक्वल हैं, ठीक है। मीन्स द एक्सिस आर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी एंड द एंगल्स आर अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब बच्चे तीनों एंगल्स भी इक्वल हैं और वो एंगल 90 डिग्री के इक्वल है, ये होना मस्ट है। अब जो उसकी एग्जाम्पल्स हैं उसमें आयरन है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बीआर, डायमंड। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन बता दिया है कि जहाँ पे ए बी सी तीनों इक्वल भी हैं और अल्फा भी बीटा गामा और तीनों जो है वो 90 डिग्री के एंगल पे हैं, ये चीज़ आपको कंफर्म कर दी गई है। ओके बच्चे, उसके बाद है आपके पास टेट्रागोनल सिस्टम। टेट्रागोनल सिस्टम में कहते हैं इन दिस सिस्टम आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड द थर्ड एक्सिस इज इधर शॉर्टर और लॉन्गर देन द अदर ऑर्डर ऑफ टू। मीन्स इसमें वो आपको ये कह रहे हैं कि दो एक्सिस जो उनसे हैं वो एक लेंथ के होंगे, जबकि जो थर्ड एक्सिस होगा वो शॉर्टर होगा या लॉन्गर होगा। मीन्स ए और बी इक्वल, लेट्स सपोज हम लोग कह रहे हैं कि ए और बी इक्वल है लेकिन जो सी थर्ड वाला एक्सिस है वो इन दोनों के इक्वल नहीं होगा, तो हम लोग इसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, द एक्सिस आर ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, क्योंकि ए इज इक्वल टू बी ये शो कर रहा है कि दोनों एक्सिस इक्वल है और थर्ड वाला इक्वल नहीं है, तो हम लोग दोनों को इज नॉट इक्वल टू सी कर रहे हैं। और जो एंगल्स हैं वो यहाँ पे भी सारे के सारे इक्वल होंगे और वो 90 डिग्री के होंगे, ऑल दी एंगल्स आर 90 डिग्री। मीन्स अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसमें जो एग्जांपल है वो SN, SNO2, MNO, NHB, NH4Br, ये यहाँ पे उन्होंने उसकी शेप भी बता दी हुई है बच्चे, और इसमें टेट्रागोनल उसने आपको एक्सिस और एंगल्स दोनों लिहाज से उसको आपको बता दिया हुआ। नेक्स्ट है ऑर्थोरम्बिक और रोम्बिक सिस्टम। ऑर्थोरम्बिक और रोम्बिक सिस्टम में कहते हैं कि ऑल द थ्री एक्सिस आर ऑफ अनइक्वल लेंथ। मींस ए भी इक्वल नहीं है बी के और बी भी इक्वल नहीं है सी के, सो हम लोग क्या कहेंगे, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, और यहाँ पे जो एंगल है वो राइट एंगल, राइट एंगल होता है 90 डिग्री का एंगल, सो ऑल दी एंगल्स आर 90 डिग्री, और वो ऑल दी एंगल्स आर 90 डिग्री मीन्स तीनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, सो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसमें जो एग्जांपल्स हैं वो है आयोडीन की, रोम्बिक की, सल्फर की, बेरियम सल्फेट की एंड K2SO4 की, ये यहाँ पे उसने आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन बता दी हुई है। उसके बाद है मोनोक्लिनिक सिस्टम। मोनोक्लिनिक सिस्टम में क्या हो रहा है कि ऑल द थ्री एक्सिस आर ऑफ अनइक्वल लेंथ लाइक ऑर्थोरम्बिक। ऑर्थोरम्बिक में भी हम लोगों ने यही बोला था कि उसके तीनों लेंथ जो हैं वो अनइक्वल हैं, तो आपके पास जो एक्सिस हैं वो क्या हो जाएंगे, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, और यहाँ पे जो एंगल हैं टू ऑफ दीज एक्सिस आर एट राइट एंगल। अब टू एक्सिस जो हैं वो राइट एंगल पे हैं और जो थर्ड एक्सिस है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री। इट्स मीन कि अल्फा एंड गामा इज इक्वल टू 90 एंड बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। द एग्जांपल्स आर शुगर, सल्फर, बोरेक्स, Na2SO4 विद 10 वाटर मॉलिक्यूल, ये एक फार्मूला बच्चे, सोडियम सल्फेट विद 10 वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने उसके डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन कर दिया कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 वाइल बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, और ये मोनोक्लिनिक उन्होंने आपको डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट कर दिया। हेक्सागोनल सिस्टम में कहते हैं कि इन दिस सिस्टम टू एक्सिस आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड आर इन वन प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 विद ईच अदर। अब दो एक्सिस इक्वल हैं और उनके दरमियान जो एंगल है वो 120 का है, और जो थर्ड एक्सिस है वो डिफर करेगा देन दी टू
मतलब अब जो दो एक्सिस थे बच्चे वो 120 पे बना रहे थे और जो थर्ड वाला एक्सिस है वो 90 डिग्री पे एंगल बना रहा है, तो जो एक्सिस हो जाएंगे वो जस्ट लाइक टेट्रागोनल के ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, और यहाँ पे जो एंगल जो होंगे वो किस तरह होंगे कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री वाइल गैमा इज इक्वल टू 120 डिग्री। जो एग्जाम्पल्स है वो यहाँ पे ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड, आइस, जिंक और कैडमियम, ये यहाँ पे उन्होंने आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन भी बता दी हुई है। रोम्बोहेड्रल सिस्टम में कहते हैं ऑल द थ्री एक्सिस आर ऑफ इक्वल लेंथ लाइक क्यूबिक सिस्टम बट द थ्री एंगल्स आर नॉट इक्वल लाई बिटवीन द 90 एंड 120। अब जो तीनों एक्सिस है वो इक्वल है जस्ट लाइक क्यूबिक सिस्टम, मीन्स ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ इक्वल नहीं आ रही, एंगल्स जो उनसे बच्चे वो इक्वल नहीं आ रहे। उसमें क्या कहते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा, ये तीनों इक्वल हैं और ये बिटवीन कह रहे हैं 90 और 120 डिग्री एंगल से। सो यहाँ पे जो आपके पास रोम्बोहेड्रल सिस्टम है, रोम्बोहेड्रल सिस्टम में वो आपको क्या बता रहा है, A is equal to B is equal to C, while alpha is equal to beta is equal to gamma is greater than 90 and 120. Example है bismuth, aluminate Al2O3, NaNO3, KNO3। ये यहाँ पे उन्होंने आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन कर दिया। बच्चे यहाँ पे जो रोम्बोहेड्रल सिस्टम है यहाँ पे एंगल्स में मिस्टेक है, काइंडली उसको ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पे होगा अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा इज ग्रेटर देन 90 एंड स्मॉलर देन 120 डिग्री। उसके बाद है ट्राइक्लिनिक सिस्टम। ट्राइक्लिनिक सिस्टम जो लास्ट वन सिस्टम है इसमें ना तो तीनों एक्सिस इक्वल होते हैं और ना ही तीनों एंगल जो उनसे हैं वो इक्वल होते हैं, और ये 90 डिग्री के भी इक्वल नहीं होते। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं ऑल द थ्री एक्सिस एंड द थ्री एंगल्स आर अनइक्वल एंड नन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री, द एक्सिस आर अल्फा, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी एंड द एंगल्स आर अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गैमा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। एग्जाम्पल्स हैं H3BO3, K2Cr2O7, कॉपर सल्फेट विथ 5 वाटर मॉलिक्यूल, और ये यहाँ पे उन्होंने आपको डायग्रामेटिकली, बच्चे इनके डायग्राम्स इम्पोर्टेंट और बिल्कुल जिस तरह आपको यहाँ पे स्लाइड्स पे शो किए गए हैं, जिस तरह आपको बुक पे रिप्रेजेंट है, इनकी आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और बस थैंक यू सो मच।